पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में ILFS के डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। उन्होंने शिक्षकों और बच्चों को प्राथमिक उपचार के विषय में अवगत कराया। किसी के भी साथ किसी भी समय यदि कोई दुर्घटना हो सकती है उसके लिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय हमें धैर्य रखकर व्यक्ति को हम क्या प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं इस पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर्स के द्वारा जो गंभीर और सबसे ज्यादा होने वाली परेशानी हार्ट अटैक से संबंधित थी, उन्होंने बताया कि ये तो हार्ट अटैक होता है जिसमें हमारे दिल को ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम के कारण होती है। दूसरा होता है हार्ट अरेस्ट, जिसमें हार्ट का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है। इसके लिए डॉक्टर्स ने बताया कि 15 से 20 बार तक 2 इंच के बराबर दबाव डालना चाहिए और 2 बार मुंह से कृत्रिम श्वास देनी चाहिए, जिससे हृदय पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। उन्होंने एक मशीन से भी परिचय कराया जिसके द्वारा हमारे हार्ट को प्राथमिक उपचार द्वारा काफी हद तक आराम दिला सकते हैं। साथ ही डॉक्टर्स ने जलने, बिजली का झटका, सांप या किसी अन्य जानवर के काटने, दौरा पड़ने, नाक से खून निकलने और अस्थमा का अटैक होने पर मरीज को क्या क्या चिकित्सा दी जाए इस पर भी बताया गया। इस कार्यशाला में विद्यालय के 63 छात्र छात्राओं ने और शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। मैं ILFS से हूँ। ILFS इट्स अ MNC जो AHA से ट्रेनिंग पार्टनर्स है। AHA इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिका की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिकल में डील। हम उसके ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं और उसी के एक छोटा सा कोर्स हम लोग स्टूडेंट्स के लिए लेके चलते हैं जिसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं और CPR AED कहते हैं। ठीक, इसमें हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट मेडिकल इमरजेंसीज में डील करना सिखाते हैं। लाइक आप एनवायरमेंटल इमरजेंसीज की बात करें, ठीक है, ट्रोमेटिक इमरजेंसी में कैसे डील करना है, इन केस रोड साइड कोई हमारा एक्सीडेंट हो जाता है उस केस में हम एम्बुलेंस का वेट करते हैं, बट नहीं, हम लोग खुद भी डील कर सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं है कि हम उस समय एम्बुलेंस का वेट करें या हम लोग मेडिकल से ही बिलोंग करते हैं तभी हम किसी को बचा सकते हैं। उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है, अगर स्नेक बाइट आ गया तो कैसे डील करना है, एनवायरनमेंट में आपका सारे फ्लड्स आते हैं, ठीक है, सुनामी आती है, इन सब चीज़ों में हम लोग कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग देते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पे एक स्पिन फीस में ये पूरी हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज स्वाति मैम ने हमें इसके लिए प्रोत्साहन किया। मेरी पूरी टीम बनी से जो कि AHA सर्टिफाइड है, वो यहाँ इन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग। आज यहाँ पर बच्चों का एक फर्स्ट एड का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बच्चों को थोड़ा फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि बच्चे कभी खेल रहे हैं या सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं या रास्ते में भी कई बार एक्सीडेंट्स देखते हैं, तो हमारे थोड़ा अवेयरनेस ये करने के लिए कि एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड बेसिकली द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द विक्टिम, तो उसमें थोड़ा ट्रेनिंग दे रहे हैं और हर किसी की किसी चोट लग जाती है छोटे बच्चों को देखते देखते या यहाँ से लेके आगे तक हार्ट अटैक या इस तरीके की कोई सिचुएशन में कभी बच्चा किसी को देखता है